बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही पहली बार कैमूर पहुंचे बिहार सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने किसानों के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया है। सुधाकर सिंह ने कहा कि मैंने इतिहास के उस दौर में मंत्री पद का शपथ लिया है जब सैकड़ों साल में एक बार अकाल आता है। उन्होंने कहा कि किसानों को सहायता मिलेगी और इलाके को सूखाग्रस्त भी घोषित किया जाएगा, देश भर के वैज्ञानिकों को भी बुलाया जाएगा। सूखा ग्रस्त घोषित होगा और हमको दो दस्तर पे हम इनको देने जा रहे हैं राहत। जिनकी खेती नहीं हुई है उनको एक मूलतम प्रति हेक्टेयर पैसा देंगे, जो खेती कर लिए हैं तो उनकी जो नुकसान है उसकी भरपाई करेंगे, दोनों ही स्तर पर हम करेंगे। तीसरा काम करेंगे कि अगले फसल के लिए उनको हम बीज से लेके खाद तक हम मुहैया कराएंगे अलग से। ये तीन स्तर पे काम करेंगे और देश और राज्य भर के हम वैज्ञानिकों को हम तुरंत बुलाने वाले हैं कि हम लोगों को सही सलाह दें कि हम लोगों को आगे क्या करना चाहिए। सभी वैज्ञानिकों को तुरंत हम लोग इसी सप्ताह बुलाएंगे। क्या माना जाए कि नए सरकार में नए कृषि मंत्री किसानों को भरपूर राहत देंगे? मैं किसान हूँ, सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि मैं किसान हूँ। किसान का बेटा इस कुर्सी पर गया है और स्वाभाविक है उसके पक्ष में फैसला आ जाएंगे। जिस दिन लगेगा कि हम किसानों के पक्ष में फैसला लेने में असमर्थ हैं तो शायद मैं इस कुर्सी पर ज्यादा वक्त नहीं रहूँगा। सूखा ग्रस्त घोषित होगा और हमको दो दस्तर पे हम इनको देने जा रहे हैं राहत। जिनकी खेती नहीं हुई है उनको एक मूलतम प्रति हेक्टेयर पैसा देंगे, जो खेती कर लिए हैं तो उनकी जो नुकसान है उसकी भरपाई करेंगे, दोनों ही स्तर पर हम करेंगे। तीसरा काम करेंगे कि अगले फसल के लिए उनको हम बीज से लेके खाद तक हम मुहैया कराएंगे अलग से। ये तीन स्तर पे काम करेंगे और देश और राज्य भर के हम वैज्ञानिकों को हम तुरंत बुलाने वाले हैं कि हम लोगों को सही सलाह दें कि हम लोग को आगे क्या करना चाहिए। सभी वैज्ञानिकों को तुरंत हम लोग इसी सप्ताह बुलाएंगे। क्या माना जाए कि नए सरकार में नए कृषि मंत्री किसानों को भरपूर राहत देंगे? मैं किसान हूँ, सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि मैं किसान हूँ। किसान का बेटा इस कुर्सी पर गया है और स्वाभाविक है उसके पक्ष में फैसला आ जाएंगे। जिस दिन लगेगा कि हम किसानों के पक्ष में फैसला लेने में असमर्थ हैं तो शायद मैं इस कुर्सी पर ज़्यादा वक्त नहीं रहूँगा। सभी वैज्ञानिकों को तुरंत हम लोग इसी सप्ताह बुलाएंगे। क्या माना जाए कि नए सरकार में नए कृषि मंत्री किसानों को भरपूर राहत देंगे? मैं किसान हूँ, सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि मैं किसान हूँ। किसान का बेटा इस कुर्सी पर गया है और स्वाभाविक है उसके पक्ष में फैसला आ जाएंगे। जिस दिन लगेगा कि हम किसानों के पक्ष में फैसला लेने में असमर्थ हैं तो शायद मैं इस कुर्सी पर ज़्यादा वक्त नहीं रहूँगा।